हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम प्रोलैक्टिन क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, प्रोलैक्टिन बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये सीक्रेट होता है ब्रेन से। ब्रेन में एक पार्ट रहता है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी। ओके, प्लीज डोंट गेट इनटू डिटेल्स कि पिट्यूटरी कहाँ है, राइट? बट पिट्यूटरी में से ये हार्मोन सीक्रेट होता है। बस एज अ पेशेंट आपको यही चीज ध्यान में रखना है, करेक्ट? नाउ इस हार्मोन का इंपॉर्टेंस मेल्स में भी है और फीमेल्स में भी है, बट इस वीडियो में हम फीमेल्स को लेके डिस्कशन करेंगे, करेक्ट? नॉर्मल सिचुएशन में प्रोलैक्टिन बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि बॉडी की ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी, जिससे एंडोक्राइनल चेंजेस होते हैं, मतलब हार्मोनल अप एंड डाउन होते हैं, केमिकल इंबैलेंस होता है, ये सब चीज को ये आदमी गवर्न करता है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन बॉडी के लिए एक स्ट्रेस हार्मोन भी माना जाता है। मान के चलिए आपको स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ गया, घर में झगड़ा हो गया, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, ऐसा कुछ सिचुएशन में वाइफ का और हस्बैंड का दोनों का प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको स्ट्रेस हो गया, करेक्ट? जब आपका स्ट्रेस का लेवल कम रहता है तभी आपका प्रोलैक्टिन बैलेंस में रहता है, करेक्ट? ये इतना एक बेसिक है, इसके ज्यादा फंक्शंस मैं आपको यहां पे समझाना नहीं चाहता। लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन, मतलब अगर बॉडी में प्रोलैक्टिन की वैल्यू बढ़ गई, करेक्ट, तो इट कैन कॉज टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक है इनफर्टिलिटी एंड सेकेंड है इररेगुलर पीरियड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए ध्यान में रखना, एस्पेशली फीमेल्स के लिए। इफ प्रोलैक्टिन लेवल इज हाई, इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी एंड इट कैन कॉज इररेगुलर पीरियड्स। साइमल्टेनियसली जब कभी भी प्रोलैक्टिन का वैल्यू ज्यादा होता है तब हमेशा फीमेल्स में थायराइड, मतलब TSH का टेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी थायराइड की वैल्यू कमती होती है, राइट, वो सिचुएशंस में TSH की वैल्यू बढ़ जाती है, उस सिचुएशन में प्रोलैक्टिन की भी वैल्यू बढ़ सकती है, क्योंकि वो दोनों पिट्यूटरी में एकदम बाजू बाजू में से सीक्रेट होते हैं। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके सिम्टम्स अगर कोई पूछे कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ गया, ये हमको पता कैसे चलेगा? देखिए, नॉर्मली जो मैंने आपको बताया इररेगुलर पीरियड्स, ये एक साइन है, और सेकेंड साइन इस चीज का है अबनॉर्मल मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट में से इफ यू हैव एबनॉर्मल सिक्रीशन विच इज मिल्किश इन कॉलर, राइट, मिल्क सिक्रीशन जब अबनॉर्मल होता है ब्रेस्ट में से, ये नॉर्मली आपको दोनों ब्रेस्ट में से होगा, करेक्ट, कभी भी एक ब्रेस्ट में से नहीं। ये प्रोलैक्टिन का बढ़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। इनफैक्ट काफी सारे विमेन को, यंग गर्ल्स को प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है ये स्टार्टिंग में समझता नहीं है, बट व्हेन दे हैव एबनॉर्मल ब्रेस्ट सिक्रीशन तभी उनको पता चलता है, ओके, एंड उसके बाद में वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। नॉर्मली जब कभी भी आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो प्रोलैक्टिन, मतलब ये एक ब्लड टेस्ट होता है सीरम प्रोलैक्टिन के नाम से, नॉर्मली आपको कहा जाएगा कि मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास आपको ये टेस्ट करना है खाली पेट। क्यों? क्योंकि रात को सोने के बाद में एंग्जाइटी का लेवल कम रहता है, स्ट्रेस का लेवल कम रहता है, तो आपको एक बेसल प्रोलैक्टिन, मतलब आपका नॉर्मल प्रोलैक्टिन का क्या वैल्यू है इसका आपको एक अंदाजा आएगा। प्रोलैक्टिन का टेस्ट इनफैक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट नॉर्मल पेशेंट्स के लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर वैल्यू 35 के आसपास है या नीचे है तो उस चीज को हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर वैल्यू 50 से ज्यादा है तो हम थोड़े अलर्ट हो जाते हैं, और अगर वैल्यू 150 से ज्यादा है तो उस सिचुएशन में हम एक ब्रेन का MRI करते हैं, MRI ऑफ द ब्रेन। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी बनता कहां से है? पिट्यूटरी में से, ब्रेन में से। इसीलिए पिट्यूटरी ट्यूमर्स प्रोलैक्टिन के लेवल के साथ में बहुत अच्छे से कोरिलेट करते हैं। फाइनली एक छोटे से पूरे वीडियो को खत्म करने के लिए मैं इस चीज का ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको। नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया में सबसे पहले आपको टेस्ट करना है थायराइड का। अगर थायराइड का वैल्यू एलिवेटेड है तो थायराइड सप्लीमेंटेशन देने से प्रोलैक्टिन का वैल्यू नॉर्मल हो सकता है। एंड सेकेंड, देयर इज अ मेडिकेशन विच इज अवेलेबल जिसका नाम है कैबरगोलिन। ओके, नॉर्मली आपके डॉक्टर आपको 0.25 या 0.5 की स्ट्रेंथ में हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार, इधर वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, ओके, ये प्रिस्क्रिप्शन देंगे जिससे आपका प्रोलैक्टिन का वैल्यू नॉर्मल हो जाए, ताकि आपके इररेगुलर पीरियड सॉल्व हो जाए, और अगर आपको इनफर्टिलिटी है
तो आपके फर्टिलिटी में भी बेनिफिट करेगा एज लॉन्ग एज योर प्रोलैक्टिन वैल्यू इज नॉर्मल। ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चंस ऑन प्रोलैक्टिन आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपका जरूर मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।